इस वक्त हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्कर नारायण शाही जी हैं। ये वही अधिवक्ता हैं जिन्होंने अनंत सिंह को दो मामलों में बरी कराया है। पटना हाई कोर्ट के जज ने उन्हें दो मामलों में बरी किया है, उन मामलों में जिनमें 10 साल की सजा उन्हें निचली अदालत से सुनाई गई थी। पुष्कर नारायण जी, मुझे ये बताइए कि ये कौन से मामले, एक मामला है या दो मामला है? ये दोनों अलग मामले थे जी। एक मामला था जो उनके मॉल रोड रेजिडेंस में पुलिस रेड की थी और तथाकथित कहा गया कि एक बुलेट प्रूफ जैकेट और 3-7 राइफल के मैगजीन मिले जी। और दूसरा मामला था उनके पैतृक गांव में जो एंसेस्ट्रल हाउस है उसमें रेड करके एक AK-47 राइफल, 2 ग्रेनेड और कुछ गोलियां बरामद करने की बात कही गई। जी जी जी। तो दोनों में एक्विटल हो गया है आज। जी जी जी। मुझे ये बताइए, दोनों मामले तो अलग अलग डे में दर्ज हुए थे ना, FIR दर्ज हुई थी? जी, अलग अलग दर्ज हुए थे, अलग अलग ट्रायल हुआ था, अलग सजा था, अलग अपील हुआ। तो दोनों अपील की अलग अलग सुनवाई हुई। जी, लेकिन जजमेंट दोनों का आज एक साथ है। अच्छा, तो इन दोनों मामलों में अलग अलग सजा हुई थी। एक में तो मुझे जहाँ तक याद है 10 साल की सजा हुई थी। दोनों में 10 साल की सजा थी। अच्छा जी जी, दोनों में 10 साल की सजा हुई थी। तो अच्छा, तो ये निचली अदालत से सजा हुई और अब जाकर के बरी हुई थी, इसमें ऐसा क्या, मतलब पुराने फैसले में और नए फैसले में क्या, इस दौरान क्या हुआ, कैसे कैसे क्या रहा, जरा थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा? ये तो एविडेंस का एप्रिसिएशन की बात है। जी जी, यहाँ जो मॉल रोड रेजिडेंस में था, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगा, जो हम लोग ने बहस किया, जी जी, कि कहा जाता है कि वो उपस्थित थे और कॉग्निजेबल ऑफेंस था और उनको अरेस्ट नहीं हुए उस दिन। 2-3 दिन के बाद IO ने रिक्विजिशन किया था उनको रिमांड करने का। तो एकदम लगता है कि थोड़ा गलत फंसाने की बात थी। उसी तरह से जो पैतृक गांव में जो रिकवरी की बात कहते हैं, तो रिकवरी पुलिस केस के हिसाब से सुबह में 11:45 में हो गया, लेकिन सीजर लिस्ट बना 8-9 घंटा के बाद, 8 बजे रात के करीब में। जी, और प्रॉपर सीलिंग नहीं था, जो रिकवर्ड आर्टिकल को अच्छी तरह से सील किया जाता है वो सब नहीं था। ये सब कोर्ट ने देखा और इसलिए बरी किया। अच्छा अच्छा, तो इस मामले में जब सजा हुई थी उनकी, तो उनकी विधायकी की सदस्यता चली गई थी, वो विधायक नहीं रहे थे, और तब जाकर के उपचुनाव हुआ तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ी। तो अब जब इस केस से बरी हो गए, तब तो वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? हाँ, मेरे हिसाब से अगर कोई और केस में कन्विक्शन नहीं है, कन्विक्शन रहने के 2 साल से ऊपर होता है, तब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन अब तो ये डिस्क्वालिफिकेशन हट गया, कन्विक्शन जो है सेटिस्फाइड होके एक्विटल हो गया, तब इसलिए वो लड़ सकेंगे मेरे समझ से। जी जी जी। एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि अब अनंत सिंह पर शायद कोई भी केस पेंडिंग नहीं है, क्या ऐसा है क्या, कुछ जानकारी? किसी और केस पर कन्विक्शन मेरे हिसाब से नहीं है। अच्छा, केसेज हैं लेकिन कन्विक्शन नहीं है, सजा नहीं है। बहुत में बरी हो चुके हैं। जी जी जी। आज 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 जो सामने की तरफ से वो अजय मिश्रा थे, राज्य की तरफ से पक्ष ले रहे थे, PP जो हैं, तो थोड़ा सा बहस में बताएंगे क्या क्या सब रहा, उनकी तरफ से क्या कहा गया, फिर आपने कैसे डिफेंड किया, वो तो थोड़ा विस्तृत रूप से बताना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, शॉर्ट में बस। थोड़ा सा तो उन्होंने अपना प्रोसिक्यूशन जो केस था, जो FIR जिस तरह था, उसको सपोर्ट किया। जो पुलिस के गवाह लोग अपने कहानी को जो सपोर्ट करते थे, उस पर उन्होंने अपना बेसिस बनाया प्रोसिक्यूशन केस को करने का। और हम लोगों ने जैसा टेक्निकल चीज भी बहुत बात किया, जैसे कि प्रॉपर फीलिंग नहीं था, फोरेंसिक एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहस उसमें हुआ, और जो यहाँ पटना वाला मॉल रोड वाला जो था, उसमें सबसे बड़ी बात थी कि अगर वो प्रेजेंट थे, उनका अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, ये सब बात उठी। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताया जाए कि अब जब बेल मतलब बरी हो गए वो, और फिलहाल वो बेउर जेल में है, तो फिर वहाँ से रिहाई में कितना समय लग सकता है? जब हाईकोर्ट से रिलीज ऑर्डर बन के जाता है, तो कल शायद छुट्टी है, तो 1-2 दिन में मना लगता है कि परसों तक होना चाहिए रिलीज।
हाँ मतलब वो अगर आज नहीं, अगर शायद आज भी चला जाए तो रिलीज हो सकते हैं, लेकिन वो तो है कि हाईकोर्ट में जब दस्तखत होके रिलीज ऑर्डर बन के जाता है तो उसमें कुछ समय लगता है। अच्छा, ये कुछ ये जानकारी है क्या? हालांकि ये तो सामने वाले पे पर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। इस फैसले के जी खिलाफ क्या वो लोग जा सकते ही हैं? उस बिल्कुल जरूर जा सकते हैं, लेकिन जी मुझे उसकी जानकारी नहीं है, वो तो सरकार को निर्णय लेना होगा। जी 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 अच्छा, तो अब जब चूंकि ये मामला सत्य नहीं पाएगा, पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है, तो जी फिर जिन लोगों ने मतलब ये रिकवरी किया जाए लगातार, क्योंकि वो बयान भी देते रहे हैं, तो उनको फंसाया गया है, तो क्या उन लोगों पर भी कुछ चल सकता है क्या, कुछ ऐसा कुछ? हमारे हिसाब से तो वैसे जनरली नहीं चलता है, लेकिन अब तो जो जिनका एक्विटल हुआ है वो अपना निर्णय लेंगे कि उनको क्या करना है। जी, मानहानि हो रहा है, सब उनका डिसीजन होगा क्या हो सकता है। जी, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद।